नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार भगवान नारायण क्षीर सिंध में शेष सैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु मेरे दिमाग में दो प्रश्न चल रहे हैं, क्या आप उनका उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट कर सकते हैं? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी पूछिएगा तुम्हारे दिमाग में क्या प्रश्न चल रहे हैं, हम जरूर तुम्हें संतुष्ट करेंगे, उनके उत्तर तुम्हें जरूर देंगे। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरे दिमाग में पहला प्रश्न तो ये चल रहा है कि कौन सी स्त्री जीवन भर बांझ ही रहती है, उसके कोई पुत्र या पुत्री पैदा नहीं होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि स्त्री का वो कौन सा एक गुण होता है जो परिवार को लेकर के डूब जाता है, अगर स्त्री में वो गुण है तो वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जो कोई कलयुग में सुनेगा वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा, कभी भी कंगाल नहीं होगा, उसके घर परिवार में कभी भी और कलह नहीं होगी। बस आपसे निवेदन ये है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा, बस आपको कहानी को पूरा और मन लगा करके सुनना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आप कहानी कहोगे, मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे, तब तक मैं बड़े मन लगा करके, मन को एकाग्रचित करके कहानी को सुनूंगी। भगवान नारायण कहानी सुनाना लक्ष्मी को प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी सुनिएगा, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक विक्रम नाम का राजा रहा करता था। वो विक्रम राजा बहुत ही सुंदर राजा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस विक्रम राजा की सभा में और कुछ सिपाही लोग एक स्त्री को पकड़ करके लेकर के आए और लाकर के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने कहा कि इस स्त्री को क्यों पकड़ करके लेकर के आए हो, क्या गुनाह किया है इसने? तो वो सिपाही लोग कहने लगे, महाराज इसके ऊपर एक हत्या का आरोप लगा है कि इसने किसी की हत्या की है। राजा ने कहा, इस स्त्री को छोड़िएगा। और जब स्त्री को सिपाहियों ने छोड़ा है, तब राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप लगा है, क्या तुमने किसी की हत्या की है? वो स्त्री कहने लगी, नहीं महाराज मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ? बोले, हुआ ये महाराज, मेरे अंदर एक अच्छा गुण है, वही अच्छा गुण मुझे हमेशा नीचा दिखाता है, उसी अच्छे गुण से मैं परेशान हूँ। राजा चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसके अंदर अच्छा गुण कौन सा है और वही अच्छा गुण इसे नीचा दिखाता है। राजा कहने लगे, थोड़ा साफ साफ समझाइएगा, हमारी समझ में नहीं आई। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी को कि हे लक्ष्मी सुनिएगा, आज वो स्त्री महाराज विक्रम को बताती है, राजन मेरे अंदर ये गुण है, रात्रि के समय मुझे सपना आता है और वो सपना हमेशा सच ही होता है। क्या? बोले हाँ। बोले, क्या देखा था तुमने सपने में? बोले, मैंने देखा था सपने में कि जो हमारा पड़ोसी रामलाल है, उसके घर में सपने में मैं देख रही थी कि आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो उसका बेटा जल करके उसमें राख हो जाता है, और जब बेटा जल करके राख हो जाता है, सुबह हुआ तो मैंने सुबह उठते ही उस रामलाल को अपने पास में बुला करके अपने सपने का हाल बताया। तो रामलाल ने मुझसे एक बात कही थी कि कहीं सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन विधि के विधान अनुसार उस घर में सच में आग लग जाती है, और सच में आग लग गई तो उसका बेटा जल करके उसमें मर जाता है। तो रामलाल ने मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि अगर ये स्त्री सुबह हमें नहीं बताती तो शायद हमारा बेटा नहीं मरता, मुझे दोषी ठहरा दिया। राजा विचार करने लगे, राजा ने विचार किया, ये स्त्री दोषी कैसे हो सकती है और कैसे इसे सजा दी जाए। राजा कहने लगे, इसमें इस स्त्री का ज्यादा दोष नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। लेकिन स्त्री से कहा, सुनिएगा, अब हम आपको छोड़ तो सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपको हमारे बारे में कोई सपना आया है? बोले, हाँ महाराज आता रहता है कभी कभी। बोले, अब कब आएगा? बोले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोले, जब आए तब आप हमें बता देना, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब स्त्री को राजा छोड़ देते हैं। अब स्त्री जैसे ही अपने घर पहुंचती है, तो जैसे ही घर पहुंचा तो रात्रि के समय सोई, तो विधि के विधान अनुसार उस समय रात्रि में उस स्त्री को एक सपना आया, और इतना भयंकर सपना आया कि उस सपने में क्या देखती है कि एक बगल में यानी पड़ोसी राजा था, उस पड़ोसी राजा का मंत्री आया है, और पड़ोसी राजा का मंत्री आकर के जो उस राजा का जो विक्रम राजा का मंत्री था उस मंत्री से मिलता है, और मिलकर के एक बात कहता है कि तुम अपने राजा को यानी राजा विक्रम को बंदी बना लो, तो हमारे महाराज ने ये कहलवाया है कि हम और तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। उस मंत्री ने कहा, जो विक्रम राजा का मंत्री था, बोले तुम कह रहे हो, अच्छी बात है, अपने महाराज से कह देना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मौका सही नहीं है, अभी आप यहाँ से मत जाओ, जो ये पुराना महल है इस पुराने महल में जाकर के छुप जाओ। मेरे भैया उस पुराने मंत्री को महल में छुपा करके और विक्रम राजा का मंत्री दरबार के लिए चला आता है। इधर सुबह हुआ तो वो स्त्री घबरा जाती है और घबरा करके विचार करने लगी, बोले इसकी तो मुझे जानकारी महाराज को जरूर देनी चाहिए कि उनके यहाँ पर राजद्रोह कौन कर रहा है, कौन महाराज के साथ में रह करके छल करना चाहता है। तो वो स्त्री सुबह आई, जो सुबह द्वारे पर सिपाही खड़े से उनसे आकर के कहा, हमें आपके राजा से मिलना है। सिपाहियों ने कहा, आप चिंता ना करें, हम राजा से जाकर के पूछते हैं।
जब सिपाही लोग महाराज के पास में आते हैं, बोले महाराज जिस स्त्री को कल पकड़ करके लाए थे चोर बना करके, वो स्त्री ही आज आपसे मिलना चाहती है। तो राजा ने बड़े चाव के साथ में कहा उसे सम्मान के साथ में बुलाइएगा। तो सब जितने सिपाही थे बड़े सम्मान के साथ में उस स्त्री को लेकर के आए हैं। उस स्त्री को बड़े सम्मान के साथ में ले जाया गया, महाराज के सामने खड़ी हो जाती है। और खड़े होकर के महाराज ने पूछा, कहो आज क्या कहना चाहती हो तुम? बोले महाराज आ रहा है रात्रि के समय मैंने एक सपना देखा। बोले क्या देखा? बोले महाराज इतना बुरा सपना देखा है कि आपका ये जो मंत्री है ना, ये मंत्री आपके साथ में छल करना चाहता है। बोले क्या करना चाहता है? बोले ये महाराज आपको बंदी बनाना चाहता है, और ये जो पड़ोसी राजा है उससे मिल गया है, और उससे मिलने के बाद में उस पड़ोसी राजा ने इससे कहा है कि तुम अपने राजा विक्रम को बंदी बना लो तो हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। तो मेरे भैया इतनी बात सुनी है तो मंत्री क्रोध में लाल हो जाता है। बोले तुझे ये भी मालूम है तू क्या कह रही है, किसके ऊपर दोष लगा रही है? राजा कहने लगा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? बोले महाराज मैंने सपने में देखा था। बोले सपने की बात हम कैसे मान लें? फिर एकदम स्त्री को ध्यान आया, बोले महाराज हाँ सबूत है। बोले क्या है? कि अभी आप हमारे साथ में चलिए, आपका जो पुराना भवन है उस पुराने भवन में जो दूसरा पड़ोसी राजा है उसका मंत्री छुपा हुआ है, वो रात्रि के समय निकल नहीं पाया है इसलिए वहां पर छुपा हुआ है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस हमारे मंत्री को बंदी बना लिया जाए, और कुछ सिपाहियों को लेकर के राजा जब पुराने महल में पहुंचे हैं, भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा, तो क्या देखा कि वहां पर पड़ोसी राजा का मंत्री छुपा हुआ है। राजा ने उसे कैद करवा लिया, और उसमें जब उस पर मार पड़ी है तो उसने साफ साफ बता दिया, बोले हाँ सच बात है मैंने यही किया था। अब तो राजा के दिमाग में उस लड़की के लिए, उस स्त्री के लिए और ज्यादा इज्जत हो जाती है, इतनी इज्जत हो जाती है कि कहने लगे हैं कि हम आपको इनाम देंगे, और इनाम के साथ साथ में उसे इनाम देकर के विदा किया है, उसको वहां से निकाल देते हैं, वो अपने घर पहुंच जाती है। अब मेरे भैया एक दिन की बात के एक दिन फिर स्त्री सो रही थी तो सोते समय उसे सपना आया है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी आज उसे कैसा सपना आया कि आज वो सपने में देख रही है कि महाराज जो विक्रम राजा थे वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं, और जंगल में कुछ जंगली आदि इंसानों ने उन्हें पकड़ लिया है और पकड़ करके उसे मारना चाहते हैं। तब तक उनका सरदार आ जाता है, और सरदार आकर जा जाता है तो राजा कहने लगे हैं, बोले तुम्हें ये मालूम है तुमने किसको पकड़ लिया है? वो स्त्री सपने में देख रही है। सरदार कहने लगा है यहाँ पर किसी की कानून नहीं चलती है, हमारा चलता है। और जो उस सरदार के जो कबीले का सरदार था, उसके जो जंगली आदमी जो उसके सिपाही लोग थे, उनसे कहता है कि इस राजा की बलि लगा दी जाए। तभी क्या देखता है वो सरदार के राजा की उंगली कटी हुई है। एकदम कह देते हैं, बोले रुक जाइएगा, अच्छा ये बताओ इसकी उंगली कटी हुई है? बोले हाँ, तो खंडित इंसान की हम देवी को बलि नहीं दे सकते, इसे छोड़ दिया जाए। इतना कहकर के राजा को छोड़ दिया जाता है। उधर उस स्त्री की आंख खुलती है रात्रि में, तो अब रात्रि में विचार करने लगी, कब सुबह हो जब मैं राजा के पास में इस खबर को पहुंचाऊं। मेरे भैया धीरे 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 समय हुआ, सुबह हुआ, तो सुबह होते ही वो स्त्री राजा के पास में पहुंच जाती है और राजा से कहती है, महाराज आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। राजा कहने लगे, आज बेटा तुमने क्या सपना देखा, साफ साफ बताइएगा। वो स्त्री कहने लगती है, बोले महाराज आज आप शिकार खेलने नहीं जाओगे। राजा विचार करने लगा, तेरे सपने की वजह से मैं शिकार खेलने नहीं जाऊं? अच्छा क्यों नहीं जाऊं ये और बता। बोले महाराज मैंने सपने में देखा था कि कुछ इंसानों ने आपको पकड़ लिया है, वो आपको मारना चाहते हैं। राजा को थोड़ा अहंकार हुआ, राजा ने विचार किया मेरे साथ में इतने सिपाही हैं, इन सब सिपाहियों को लेकर के जाऊंगा, तब देखता हूं इसका सपना सच होगा या नहीं होगा। वो स्त्री कहने लगी, महाराज मान जाओ मत जाओ, लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस स्त्री ने कहा, महाराज आप अपना हाथ हमें दीजिएगा। और जैसे ही राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस स्त्री ने जो उसकी बगल में चाकू लगा हुआ था उसे निकाल करके राजा की उंगली पर कट का निशान लगा दिया है, राजा को काट दिया है उंगली पर। मेरे भैया अब राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरे ऊपर हमला किया। सिपाहियों से कहा इस स्त्री को बंदी बना लिया जाए, और जब तक हम शिकार खेल करके लौट करके ना आए तब तक इसे बंदी गृह में रखा जाए, उसके बाद में हमें पेश किया जाए। उस स्त्री को बंदी बनवा करके राजा वहां से चले जाते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि अब जैसे ही उस स्त्री ने जो सपना देखा था, कुछ लोगों ने राजा को पकड़ लिया है, सिपाहियों को मार दिया है। पकड़ने के बाद में एक पेड़ से बांध दिया है, उनका सरदार आता है, और सरदार आने के बाद कहता है कि इसकी बलि चढ़ा दी जाए। तभी सरदार की नजर पड़ जाती है कि राजा की उंगली कटी हुई है, और उसे छोड़ दिया जाता है। सुबह होते ही राजा अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचने के बाद उस सबसे पहले राजा ने अपने उसी स्त्री के लिए कहा है कि उस जो स्त्री कल बंदी बनाई गई थी, और उसको मेरी सभा में पेश किया जाए। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी आप ध्यान लगा करके सुनिएगा,
जब उसे पेश किया गया तो राजा ने गद्दी से उतर करके उस स्त्री के हाथ पैरों में जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी उनको अपने हाथों से खोला, उसके बाद हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि तूने मेरे ऊपर हमला किया था, उसी हमले की वजह से मेरी जान बच गई। उस कबीले के सरदार ने कहा था कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसे बलि मत दो, अन्यथा ये मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। राजा ने उसे बहुत सारा उपहार दिया और तभी वहां पर एक सैनिक आ जाता है और सैनिक कहता है, महाराज बहुत बुरा हो गया, मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर के आया हूँ। राजा कहने लगे, क्या खबर लेकर के आए हो? बोले, हमारा जो महामंत्री, जो मेन मंत्री था सबसे बड़ा, वो मंत्री मारा जाता है। बोले, कैसे मारा गया? बोले, महाराज उसे इस स्त्री ने कहा था रात्रि में सपना देख करके कि आज से ठीक 10 दिन बाद तुम मर जाओगे सांस रुकने की वजह से। तो महाराज वो 10 दिन से पहले ही उसे अटैक आ गया, वो इतना घबरा गया कि वो उससे पहले ही मारा गया है। अब राजा ने विचार किया कि ये स्त्री कुछ बात तो सच कहती है, कुछ मतलब हालांकि बात तो इसकी सच होती है लेकिन कुछ बाद में ये बहुत भारी पड़ जाती है। तो राजा विचार करने लगा है कि इस स्त्री को, इतनी ज्ञानवान स्त्री है, इसका हर सपना सच होता है, तो ऐसे इंसान की तो कद्र करनी चाहिए। राजा ने कहा कि हमारे दरबार से और आप हमारे भंडारे की तरफ जाइएगा, वहां से हीरा जवाहरात मोतियों का थाल भर करके लेकर के आइए और स्त्री को दे दीजिए। स्त्री के हाथ में देकर के राजा कहने लगा है स्त्री से, अब आप अपने पति को लेकर के हमारे राज्य से निकल जाइए। स्त्री एकदम घबरा जाती है, बोले, महाराज मैं आपके राज्य से निकल जाऊं? बोले, हाँ मैंने तो आपकी जान बचाई है, मैंने आपके साथ में इतने उपकार किए हैं, इसकी सजा आप मुझे ये दे रहे हो कि मैं आपके राज्य से निकल जाऊं? राजा कहने लगे हैं, तुमने उपकार किया है ये सच बात है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसा भविष्य होता है इंसान का, अगर उसे इंसान जान ले तो अपनी हर खुशी को छोड़ देता है। कुछ ऐसी बातें हुआ करती हैं जो इंसान अगर पहले से समझ जाए तो उसकी हर खुशी विदा हो जाती है, वो दुख में ही व्यतीत होता है, इसलिए आने वाले भविष्य को कभी जानना नहीं चाहिए। और तुम्हारा सपना है कि तुम आने वाले भविष्य को बता देती हो, अगर तुम उस मंत्री को उसके मौत का समय नहीं बताती तो शायद वो 10 दिन और जिंदा रह सकता था। इसी कारण अगर आपने अगर किसी को और बता दिया तो उसके निजी जीवन में ये खुशियों का जीवन है उन पर पानी फिर जाता है। दोस्तों ये बात सच है, हमेशा भविष्य जानने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसान, ये बात सच है कि सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन अगर इंसान को मालूम पड़ जाए कि इस समय पर, इस निश्चित समय पर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अपने खुशियों के पल सब कुछ त्याग देता है, अपनी खुशियों भरा जीवन त्याग करके एक दुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। तो इंसान का ये एक अच्छा गुण भी उसके लिए हमेशा खतरनाक साबित होता है। अब भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, वो स्त्री हमेशा जीवन भर बांझ रहती है। आपके दो प्रश्न थे, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं मैं। वो स्त्री जीवन भर बांझ रहती है जो दूसरों के बच्चों को देख करके जलती है, जो दूसरे के बच्चों से जलन मानती है, जो दूसरों के बच्चों से प्यार नहीं करती है। भगवान उसे स्त्री की गोद कभी नहीं भरते, उसके नसीब में एक बेटा या बेटिया नहीं होता है। और दूसरी एक अच्छाई ये है कि इंसान का, एक औरत का या आदमी का, दोनों पर ये निर्भर करता है कि अगर उसमें ये गुण हो तो वो उसके लिए खतरनाक साबित होता है। जो आज स्त्री में ये अच्छा गुण था और वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसके परिवार को ही ले डूबा, उस राज्य को छोड़कर के जाना पड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को पूरा सुना। हाँ, कुछ लोगों ने अपील की थी नाम लेने की, उन लोगों की अपील, उन लोगों के नाम मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले नाम है अजमेर कुमार, जो जिला अलीगढ़ से हैं, इन्होंने अपना नाम बुलवाने के लिए अपील की थी। दूसरा नाम है सोनिया सिंह, जो जिला मुरादाबाद से हैं, इन्होंने भी नाम लेने की अपील करवाई थी। अगर कोई अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।